अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज एक नई रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, बहुत मज़े के स्टाइल से चीज़ बॉल। चीज़ बॉल के लिए चाहिए हमें आलू। आलू को हमने बॉयल नहीं करना, स्टीम करना है। तो कैसे करना है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। तो अभी जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी है वो आपसे शेयर करते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ बॉल में जो जो चीज़ें ऐड होनी हैं, ये चार अदद हमने नॉर्मल साइज़ के आलू ले लिए हैं, और ये ब्रेड क्रम्स हैं, चीज़ है, और ये स्टिक्स ले लिए हैं। ये जो आपको बताएंगे ये जो आलू स्टीम करने हैं ना, इसके साथ करने हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। आलू को पहले छील लेते हैं। और जो स्टीम करने से आलू का जो टेस्ट आएगा ना चीज़ बॉल के अंदर, जो आलू का टेस्ट आएगा उसकी तो क्या ही बात है ना। बॉयल करने से थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट होता है, स्टीम करने से आप भी जब स्टीम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। पी अब हमने इसको इस तरह स्टिक्स लगानी है ऐसे, ये वाली। ये ऐसे, ये देखिए जी ऐसे। ये देखिए जी हमने इनको स्टिक्स लगा दिए, ये ऐसे खड़े कर दें। इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं, बस एक जग। ये देखिए जी ये हो गया पानी गर्म। अब हम इसको ऐसे खड़े कर देंगे अंदर। ये चीज़ अब हमने इसे 35 से 40 मिनट तक इसे स्टीम करना है, उसके बाद इसे निकालेंगे तो इंशाल्लाह सही तरह से गले में होंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये सही तरह से गल गए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, तो ये देखें जी स्टीम करने से ऐसे है ना कि इसमें फिर पानी नहीं जाता। ये देखें जी सही तरह से गल गए हैं, बिल्कुल ड्राई हैं। बॉयल करने से तो इसमें पानी होता है ना, इस तरह बिल्कुल ड्राई हैं ये। अब इसमें हम काली मिर्च और नमक ऐड करेंगे। ये दो चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा लाइट। जितना आप मसाले लाइट रखेंगे या जितना आपको पसंद है उतना रखें। ये लें जी, ये हो गया मिक्स अच्छे से। चीज़ को हम कट कर लेंगे। ये लें जी थोड़ा सा पानी लेंगे, और ये इसमें चीज़ रखेंगे ऐसे ऐसे। ये ले जी
ये अंडों का मिक्सचर बना लेंगे। अच्छे से इनको ये अब हम एक एक करके ऐसे अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स, अच्छे से लगा के इसको यहाँ पे रखते जाएंगे। ये देखें ऐसे, ये रहे जी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाइट सा ब्राउन करना है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करके जी। ये जी ये हो गए तैयार। तो ये अब हम ट्राई करते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी कितनी प्यारी शक्ल का बना है। तो पहले भी ट्राई की है, अभी फिर ट्राई करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े की लेयर इसके अंदर से ऐसे निकलती जा रही है, क्या बात है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।